सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइन फैजू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोगों के सब बहुत ज़्यादा अच्छे और खुश और हमेशा रहिए। सो आज की जो वीडियो है वो है लेसन नंबर 4। यस, हम लोगों ने लेसन नंबर 3 डन कर लिए हैं, जिसमें से फेस वॉश, स्क्रब एंड मास्क हम लोग कवर कर चुके हैं। आज है यहाँ पर 4th लेसन। तो अब हमारा जितना भी धोने वाला काम था, फेस वॉश, स्क्रब, मास्क, वो हमारा सब डन हो चुका है। ओके, और अगर कल मेरी मास्क वाली वीडियो आई है, आपने नहीं देखी है, तो मैं इसके लास्ट में अटैच कर दूंगी, वो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको किसी मास्क का यूज़ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी, वीडियो बनाऊंगी। ओके, क्योंकि अगर मैं उसी में अटैच कर देती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, फिर आप लोगों को ही दिक्कत होती। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। बट से पहले आपको करना होगा सब्सक्राइब, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फर्स्ट फेस वॉश, स्क्रब एंड मास्क के बाद हम लोगों को यूज करना चाहिए यहाँ पर एक ट्रिक। और ये वीडियो आज काफी छोटी होगी, 3 से 4 मिनट की, बट मैं आपके साथ ये ट्रिक शेयर करना चाहती थी। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, स्क्रब और मास्क लगाने के बाद एक आइस क्यूब लें एंड उसको अपने फेस पे स्क्रब करें, मीन्स उसको अप्लाई करें और अच्छी तरीके से अपने पोर्स के पास, हर एरिया पे। एंड जिन लोगों की स्किन पर डायरेक्ट आइस नहीं लग सकती है, तो वो लोग जो हैं वो एक टावल में या हैंकी में लेने के बाद आइस क्यूब उसके बाद रब करें। जैसा आपने देखा होगा, काफ़ी सारी हीरोइन हैं एंड कोरिया में भी आइस बाउल के अंदर अपना मुंह डिप करते हैं एंड थोड़ी देर सेकंड्स के लिए उसमें रहने देते हैं, जितना आप रोक सको उसमें अपने फेस को, एंड उसके बाद वो लोग निकाल लेते हैं। तो वो होती है नेचुरल ब्यूटी। पहाड़ों पर आप लोग देखो, इतनी औसम स्किन होती है, बिल्कुल व्हाइट, उस पर पिंक ग्लो, वाओ। एंड मैं अभी फिलहाल में सिक्किम भी गई थी, वहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा लेडीज से पूछा, कि गर्ल्स से पूछा कि आपकी स्किन का कोई राज, कोई ऐसा यहाँ मतलब होम रेमेडी हो या कोई ऐसा मास्क जो आपकी मम्मा लगाती हो। तो मैंने उनसे कई चीज़ें पूछी, पर उन्होंने बोला नहीं, हम तो नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश करते हैं, वो पानी ठंडा होता है। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप, आपको आइस कर लेनी चाहिए फेस पे, एंड आइस के बाद फिर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है यहाँ टोनर। तो हमें टोनर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एंड अब बात करते हैं टोनर, तो एक पानी होता है, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, वो हमारे पोर्स जो होते हैं ना उनको क्लोज कर देता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, सॉरी। आपके पोर्स को जो है वो क्लीन करके और वहाँ पे उनको क्लोज कर देता है, ताकि कोई डर्ट ना जाए, ब्लैक हेड, वाइट हेड ना जाए। ये आपकी स्किन पे एक लेयर बना लेता है, मॉइस्चराइज करता है, और ये आपकी स्किन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होते हैं, स्किन को फ्रेश करता है। और उसमें जितने वो डिहाइड्रेट हुई हुई होती है, तो वो एक तरीके से समझ लीजिए आप उसको पानी पिला रहे हो स्किन को, एंड उसके बाद ग्लो करती है। तो टोनर भी बहुत बड़ा स्टेप है स्किन केयर में। ओके, सो मेरे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ डॉट एंड की का है ये टोनर, जो आप देखो आधा मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, जो है वाटरमेलन सुपर ग्लो पोर्स टाइटनिंग टोनर एंड कुकुम्बर है इसमें, 150 ml का है ये। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ऑल स्किन टाइप वालों का है, आप इसको ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर दे दूंगी। ओके, एंड इसके बाद अगर बजट फ्रेंडली बात करते हैं, तो गुड वाइब्स को हम कैसे भूल सकते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया था नीम एंड तुलसी का, ये काफ़ी अच्छा है, इससे पहले मैं रोज भी यूज़ कर चुकी हूँ, कुकुम्बर भी यूज़ कर चुकी हूँ। तो गुड वाइब्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और ऐसा नहीं है मैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ। तो ये वीडियो जो है वो स्पॉन्सर है, कोई स्पॉन्सर नहीं, सब मैंने अपने पैसे से परचेस किए हैं। ओके, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन को कोई हार्म नहीं करता, और इसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा कम है, होंगे तो सही, पर इसमें लिखा हुआ है नो पैराबीन, नो अल्कोहल, एंड यही सब, नो मिनरल ऑयल, नो सल्फेट, नो एनिमल टेस्टिंग। तो ये सारी बातें कहता है, वाकई में मेरी सेंसिटिव स्किन है, इसकी किसी भी प्रोडक्ट ने अभी तक मुझे निराश नहीं किया है। एंड आपको करना क्या है, फेस मास्क लगाने के बाद आइस स्क्रब करनी है, उसको ऐसे सूखने देना है, उसको ऐसे ड्राई होना है स्किन को, एंड उसके बाद आपको ये स्प्रे,
एंड इसको ऐसे छोड़ देना है ताकि आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर ले. ओके, तो ये भी काफी अच्छा है. या फिर आप मेरी DIY जो है वो देख सकते हैं, मैंने काफी ज्यादा दे रखे हैं आपको. सो ये वाला भी मैंने अपना टोनर बनाया था अभी जो काफी बढ़िया है. इसकी वीडियो देखनी है तो मैं यहाँ ऊपर दे दूंगी आपको. ओके, अब इसके बाद ऑप्शन रहता है कि हमारे पास कोई टोनर नहीं, अब हमारे पास कोई टोनर नहीं है, अब हम क्या करें. सो उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि रोज वाटर तो सबके घर में ही होता है. सो रोज वाटर लेना है, उसमें कॉटन डिप करनी है और उसको कॉटन से अप्लाई कर लेना है और फिर सूखने के लिए छोड़ देना है. तो ये सारे थे आज टोनर के ऑप्शंस और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी सारे प्रोडक्ट्स की. अब मैं आपको कुछ ब्रांड सजेस्ट कर देती हूँ, जैसे डॉट एंड की हो गया, वो एक्सपेंसिव है, बहुत ही बढ़िया टोनर है, काफी ज्यादा आपको उसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे. एंड गुड वाइब्स में भी आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे. एंड उसके बाद बात आती है बायोटेक की, वो भी काफी अच्छा उसका टोनर होता है. फिर रोज वाटर आप डाबर का ले सकते हो या आपकी विश है. एंड उसके बाद एक ऑप्शन और आता है जो है कोरियन ब्रांड, एंड वो टोनर प्लस लोशन है. सो मैं उसमें नहीं दिखाऊंगी, मैं वो मॉइस्चराइजर वाले सेक्शन में दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं उनको मिक्स कर दूंगी. बट वो भी काफी अच्छा है. तो मैं वाटर बेस्ड टोनर के बारे में बात कर रही थी, तो उसी के बारे में आज मैंने आपको बताया है. सो आज की वीडियो थी यही, जिसमें मैंने आपको बताया है कि टोनर को किस तरीके से यूज करना है. इसको आप डेली नाइट में भी यूज करो, जब जब फेस वॉश यूज कर रहे हो ना तब तब टोनर यूज करो उसके बाद. ओके, ध्यान रखना और ड्राई स्किन वाले तो खास तौर से. ओके, एंड आज की यही वीडियो थी. कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना. एंड अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना. मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज. ये सेशन छोटा रखा मैंने टोनर वाला, क्योंकि मैंने वो सेशन बहुत बड़े बड़े दिए हैं अभी तीनों, तो ये छोटा रिलैक्स वाला था. कल फिर से बड़ा सेशन आने वाला है, तो वेट करिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. सो बाय बाय.